आज हम जीपीटी 1.1 का फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स है उसके बारे में बात करें। अपने लास्ट क्लास में बात करनी जो जेनेटिक्स है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो मेंडल है। जेनेटिक्स में किसने किया था? पेटसन ने किया था। पेटसन ने किया था 1905 के अंदर। लास्ट क्लास में जीन क्या होता है, एडिटी क्या होती है, वेरिएशन वेरिएशन की मेंटेनेंस के बारे में बात कर चुके हैं। जीन क्या होता है, एडिटी, एडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ क्रोम कनेक्ट टू क्रोम, मतलब जो माता पिता के क्रोम में जाते हैं उसके ट्रांसमिशन को एडिटी कहते हैं। उसके बाद वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब है जो माता मतलब जो पेरेंट है और जो क्रोज नहीं है उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसको बोलते हैं वेरिएशन। जरूरी नहीं है अगर पिताजी की हाइट 6 फीट है तो बच्चे की 6 फीट होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका मतलब वेरिएशन मतलब है जो पेरेंट और क्रोज के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम वेरिएशन बोलते हैं। उसके बाद आती है ब्रांचेज जो जेनेटिक्स जो अनुवांशिकता उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है। जेनेटिक्स के अंदर सेवरल ब्रांचेज है, देयर आर सेवरल ब्रांचेज इन जेनेटिक्स। दीज ब्रांचेज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जो प्रयोग करने का मटेरियल है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, कहने का मतलब है जेनेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज है। These branches have been identified on the basis of experimental material. जितने भी जेनेटिक्स की ब्रांचेज हैं जो उनका आइडेंटिफिकेशन है वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बेस पर बनाया गया है। इन वेरियस प्लांट स्पीशीज, प्लांट की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, उनके बाद काफ़ी सारे ब्रांच बनते हैं। उसमें फर्स्ट थी प्लांट जेनेटिक्स, इसका मतलब है प्लांट जेनेटिक्स का मतलब है इट डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ वेरियस डिप्रेसिंग प्लांट, मतलब प्लांट की स्पीसीज है जिनके अंदर इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस की अपने दो बार बात होती है उसके बीच में जो भी है उसको बोलते हैं प्लांट जेनेटिक्स। सेकेंड आती है सेकेंडरी एनिमल जेनेटिक्स, उसका मतलब है इट डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन एनिमल, एनिमल के अंदर जो करेक्टर है उसके बेस पर बोला गया है एनिमल जेनेटिक्स। तीसरा आता है मोलिकुलर जेनेटिक्स, तो मोलिकुलर जेनेटिक्स का मतलब है इट डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन एंड रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, जो क्रोमोसोम और जीन है उसके अंदर उसकी कैसी स्ट्रक्चर है, उसका संलग्न किया है और उसका क्या क्या उसके फंक्शन है उस चीज़ को हम बोलते हैं मोलिकुलर जेनेटिक्स। तीसरा आता है बायोकेमिकल जेनेटिक्स, इसका मतलब है रोल ऑफ जीन इन कंट्रोलिंग, रोल ऑफ जीन कंट्रोलिंग इन बायोकेमिकल, रोल ऑफ जीन कंट्रोलिंग बायोकेमिकल पार्ट में, जो बायोकेमिकल पार्ट में है उसमें रोकने का जीन का क्या रोल है या कंट्रोल करने में क्या रोल है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स। फिर नेक्स्ट आती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जनसंख्या अनुवांशिकता, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसका मतलब है इट डील्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड जीनोटाइप, कोई भी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जीन और जीनोटाइप में उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। फिर नेक्स्ट आता है और जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है इसके अंदर इवोल्यूशन चेंज होता है, कभी लार्ज सैंपल साइज में, कभी स्मॉल, कभी मीडियम। फिर नेक्स्ट आता है रेडिएशन जेनेटिक्स, मतलब जितनी भी टाइप की रेडिएशन है उसका क्रोमोसोम और जीन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं रेडिएशन जेनेटिक्स। रेडिएशन कौन सा, अल्फा
बीटा एक्सरे गामा रे। नेक्स्ट आती है मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, उन्होंने जेनेटिक्स ली थी जिसको बोला जाता है मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसके अंदर क्या होता है, इनहेरिटेंस को क्वालिटेटिव करेक्टर और ओलिगोजेनिक, क्वालिटेटिव और ओलिगोजेनिक। देखो क्वालिटेटिव और ओलिगोजेनिक, ओलिगोजेनिक का मतलब है जो कैरेक्टर वन और फिव जीन से कंट्रोल होते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव जेनेटिक्स या मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। और जो इसके अंदर वेरिएशन पाई जाती है क्वालिटेटिव के अंदर वो डिसकंटिन्यूस होती है, मतलब लगातार उसके अंदर चेंज नहीं होता है, जैसे सीड का कलर है, सीड की शेप है, या तो सीड राउंड होगा या रिंकल होगा, थोड़ा खुरदरा होगा, या तो सीड पॉड है। ये हो गई मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसके अंदर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन पाई जाती है और जो वन और फिव जीन से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, इसका मतलब है इनहेरिटेंस हो पॉलीजेनिक या मोर देन वन जीन। जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है वो मोर देन वन जीन से कंट्रोल होती है और जिसके अंदर कंटिन्यूस वेरिएशन पाया जाता है। या आप कह सकते हैं डिसकंटिन्यूस का मतलब है लगातार चेंज होने से, फिंगरप्रिंट है, टंग रोलिंग है, या अपने और कह सकते हैं ब्लड ग्रुप है, वो होते हैं क्वालिटेटिव। जो जेनेटिक्स या जो कैरेक्टर है एक या एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। जैसे प्लांट हाइट हो गई या आदमी की हाइट हो गई, या अपने ऐसे बोल सकते हैं स्किन का कलर हो गया चेंज हो गया, स्किन का कलर है चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अब वापस बात करते हैं जीन। जीन क्या होता है, ये प्रोसेस थी इसमें ये प्लांट जेनेटिक्स, एनिमल जेनेटिक्स, रेडिएशन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। कौन से इसमें ये पता चलता है जो वन जीन से कंट्रोल होती है वो कौन सी है और किसके अंदर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है और कंटिन्यूस वेरिएशन है, और या ओलिगोजेनिक हो सकता है आपसे। ओलिगोजेनिक क्या होता है, पॉलीजेनिक क्या होता है, वही मैं बताया आपको वो वन और फिव जीन से और इसमें मोर देन वन जीन से। तो इसके अंदर क्या होता है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती है, इसके अंदर कंटिन्यूस वेरिएशन। इसके एग्जाम्पल में कुछ क्या है, आदमी की जो हाइट है चेंज होती रहती है, उसका आदमी का वेट है या उसका स्किन का कलर है, ये चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब क्या है, जो करेक्टर है जो चेंज नहीं होते बॉडी में, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, अगर आदमी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप फिंगरप्रिंट ये सब चीजें हैं उसमें। फिर बात करते हैं जीन। तो जीन का मतलब है जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट या करेक्टर कौन ट्रेट हो। जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस से पहले भी बात की थी, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक करेक्टर। अगर देखते चाहिए ह्यूमन हो या तो ग्रोथ हो, देखते ना मेरे को हेड टू हेड, तो जीन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मस्टर्ड है, इसके अंदर कोई भी जीन ट्रांसफर किया है, किसने ट्रांसफर किया या तो उसको इरिगेशन
नेक्स्ट बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब है कैरेक्टर इनहेरिटेड बाई ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट, जो पेरेंट्स हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब है प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग का मतलब है प्रोजेनी और पेरेंट, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में इनहेरिटेड होते हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किस टाइप हो सकते हैं? दो टाइप से हो सकते हैं, या बात करें जेनेटिक वेरिएशन है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो होगा एनवायरमेंटल या जेनेटिकल। जो एनवायरमेंटल वेरिएशन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन है वो ट्रांसफर नहीं होता है, वो सिर्फ एनवायरमेंट के कारण उसमें वेरिएशन आता है। और जो जेनेटिक वेरिएशन है इसका मतलब है जो कैरेक्टर माता पिता से पुरुषनी में आ रहे हैं वो जेनेटिक्स के थ्रू रेगुलर आ रहे हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज कैरेक्टर या ट्रेट। कैरेक्टर्स या ट्रेट्स, जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कैरेक्टर्स या ट्रेट्स, तो कैरेक्टर या ट्रेट्स का मतलब है तो कोई भी जीव है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका शरीर कैसा है, मतलब उसका एनाटॉमी कैसी है, और उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, उसका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर क्या है, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर और उसका कैसा व्यवहार है, हर चीज़ का अलग अलग होता है। सपोज दो या तीन अलग अलग स्टूडेंट है, इसका भी बिहेव अलग होगा, इसका भी अलग बिहेव होगा, इसका भी कुछ पढ़ने वाला होगा, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, ये सब क्या बिहेव होगा। तो वापस बात करें ट्रैक्टर की या बिहेव का तात्पर्य है किसी भी जीव की मॉर्फोलॉजिकल शारीरिक या जैव रासायनिक बायोकेमिकल अथवा उसका जो बिहेव की जो भी विशेषताएं हैं उस सबको हम बोलते हैं कैरेक्टर। अब नेक्स्ट है बात करते हैं टॉपिक की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक्स, मतलब आज के लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स, इसमें प्लांट जेनेटिक्स, एनिमल जेनेटिक्स, रेडिएशन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में बात की थी। उसके बाद में जीन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। वेरिएशन में मतलब जो माता पिता और पड़ोसनी में क्या क्या वेरिएशन है, जैसे मान लो वेरिएशन दो टाइप होती है, एक तो जेनेटिकली होती है और एक एनवायरमेंट होती है। और एनवायरमेंट की वेरिएशन होती है वो सिर्फ एनवायरमेंट में जो होती है, जेनेटिक वेरिएशन है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जो माता पिता के कैरेक्टर को बोलते हैं उसके ट्रांसमिशन को हेरिडिटी कहते हैं। उसके बाद वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब है जो माता मतलब जो पेरेंट है और जो क्लोजनी है उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसको बोलते हैं वेरिएशन। जरूरी नहीं है अगर पिताजी की हाइट 6 फीट है तो बच्चे की 6 फीट होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका मतलब वेरिएशन मतलब है जो पेरेंट और क्लोजनी के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम वेरिएशन बोलते हैं। उसके बाद आती है ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, जो अनुवांशिकता उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है। जेनेटिक्स के अंदर सेवरल ब्रांचेज है, देयर आर सेवरल ब्रांचेज इन जेनेटिक्स, दीज ब्रांचेज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जो प्रयोग करने का मटेरियल है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, कहने का मतलब है जेनेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज है, दीज ब्रांचेज हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। जितनी भी जेनेटिक्स की ब्रांचेज है जो उनका आइडेंटिफिकेशन है वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बेस पर बनाया गया है। इन वेरियस प्लांट की अलग अलग स्पीसीज होती हैं, उनके बाद काफ़ी सारे ब्रांड। उसमें फर्स्ट थी प्लांट जेनेटिक्स, इसका मतलब है प्लांट जेनेटिक्स का मतलब है इट डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ वेरियस डिफरेंशिएटेड प्लांट, मतलब प्लांट की स्पीसीज है जो इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस की दो बार बात होती है उसके बीच में जो भी है उसको बोलते हैं प्लांट जेनेटिक्स। सेकेंड आती है
सेकेंड है एनिमल जेनेटिक्स, उसका मतलब है इट डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन एनिमल। एनिमल के अंदर जो करेक्टर है उसके वजह से बोला गया है एनिमल जेनेटिक्स। तीसरा आता है मोलिकुलर जेनेटिक्स, तो मोलिकुलर जेनेटिक्स का मतलब है इट डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन फंक्शन एंड रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। जो क्रोमोसोम और जीन है उसके अंदर उसकी कैसी स्ट्रक्चर है, उसका संगठन क्या है और उसका क्या क्या उसके फंक्शन है, उस चीज़ को हम बोलते हैं मोलिकुलर जेनेटिक्स। तीसरा आता है बायोकेमिकल जेनेटिक्स, इसका मतलब है रोल ऑफ जीन इन कंट्रोलिंग, रोल ऑफ जीन कंट्रोलिंग इन बायोकेमिकल, बायोकेमिकल पार्ट में उसमें रोकने का जीन का क्या क्या रोल है या कंट्रोल करने में क्या रोल है, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स। फिर नेक्स्ट आती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जनसंख्या अनुवांशिक का पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसका मतलब है इट डील्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड जीनोटाइप। कोई भी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जीन और जीनोटाइप में जेनेटिक्स। फिर नेक्स्ट आता है और जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है इसके अंदर इवोल्यूशन चेंज होता है, कभी लार्ज सैंपल साइज में कभी स्मॉल कभी मीडियम। फिर नेक्स्ट आता है रेडिएशन जेनेटिक्स, मतलब जितने भी टाइप की रेडिएशन है उसका क्रोमोसोम और जीन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं रेडिएशन जेनेटिक्स। रेडिएशन कौन जाती है, अल्फा बीटा एक्सरे गामा रे। नेक्स्ट आती है मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, उन्होंने ये जेनेटिक्स ली थी जिसको बोला जाता है मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसके अंदर क्या होता है इनहेरिटेंस को क्वालिटेटिव करेक्टर और ओलिगोजेनिक, क्वालिटेटिव और ओलिगोजेनिक। देखो क्वालिटेटिव और ओलिगोजेनिक, ओलिगोजेनिक का मतलब है जो कैरेक्टर वन और फ्यू जीन से कंट्रोल होते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव जेनेटिक्स या मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। और जो इसके अंदर वेरिएशन पाई जाती है क्वालिटेटिव अंदर वो डिसकंटिन्यूस होती है, मतलब लगातार उसके अंदर चेंज नहीं होता है, जैसे सीड का कलर है सीड की शेप है, या तो सीड राउंड होगा या रिंकल होगा थोड़ा खुदरा होगा या तो सीड कोट है, ये हो गई मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसके अंदर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन पाई जाती है और जो वन और फ्यू जीन से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, इसका मतलब है इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक या मोर देन वन जीन। जो क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएशन पाया जाता है, या आप कह सकते हैं इस का मतलब है लगातार चेंज होने से फिंगरप्रिंट है टंग रोलिंग है या अपने और बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप है, वो होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है जो जेनेटिक्स या जो कैरेक्टर है एक या एक से ज़्यादा जीन से कंट्रोल होते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। जैसे प्लांट हाइट हो गई या आर्मी की हाइट हो गई या अपने स्किन का कलर हो गया चेंज हो गया, स्किन का कलर है चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अब वापस बात करते हैं जीन, जीन क्या होता है ये प्राचस्टी, इसमें ये प्लांट जेनेटिक्स एनिमल जेनेटिक्स रेडिएशन जेनेटिक्स क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्वालिटेटिव जेनेटिक्स कौन से, इसमें ये पता चलता है जो वन जीन से कंट्रोल होती है वो कौन सी है और किसके अंदर डिस्कंटिन्यूस वेरिएशन है और कंटिन्यूस वेरिएशन है या ओलिगोजेनिक हो सकता है आपसे। ओलिगोजेनिक क्या होता है, पॉलीजेनिक क्या होता है, वही बताया था आपको वो वन और फिफ्थ जीन से वाली
वन जीन से। तो इसके अंदर क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन होती है, इसके अंदर कंटीन्यूअस वेरिएशन। इसके एग्जांपल में कुछ क्या है, आदमी की जो हाइट है, चेंज वगैरह भी है, उसका आदमी का वेट है या उसका स्किन का कलर है, ये चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन का मतलब क्या है, जो करेक्टर है जो चेंज नहीं होते बॉडी वजह से, ब्लड ग्रुप हो गया, अगर आदमी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप फिंगरप्रिंट, ये सब चीजें हैं उसमें। फिर बात करते हैं जीन, तो जीन का मतलब है जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर, डेवलपमेंट और स्पेसिफिक ट्रेट या करेक्टर, कौन ट्रेट हो, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस से पहले भी बात की, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक करेक्टर। अगर देखते चाहिए ह्यूमन हो या तो ग्रोथ हो, देखते ना मैं अपना हेड टू हेड, तो जीन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मस्टर्ड है, इसके अंदर कोई भी जीन ट्रांसफर किया है, किसने ट्रांसफर करेगा, या तो उसको इरीगेशन की रिक्वायरमेंट कम करेगा, या उसकी फील्ड बढ़ानी है, या उसके अंदर कोई कंटेंट बढ़ाना, तो जीन क्या करता है, कोई भी स्पेसिफिक फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर मतलब कोई भी जो साइंटिस्ट या ब्रीडर है वो अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले ऑब्जेक्टिव लेकर चलता है, उसको उसके अंदर फील्ड बढ़ानी है, या मस्टर्ड के अंदर कोई कंटेंट बढ़ाना है, अगर कॉटन की बात करें तो उसके अंदर उसको फाइबर की क्वालिटी या लेयर बढ़ानी है, तो उसको बोलते हैं जीनो स्पेसिफिक फैक्टर की रिस्पॉन्सिबल है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस का मतलब है कैरेक्टर इनहेरिटेड बाय ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट, जो पेरेंट्स से, ऑफ स्प्रिंग का मतलब है प्रोजनी, ऑफ स्प्रिंग का मतलब है प्रोजनी और पेरेंट, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजनी में इनहेरिटेड होते हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किस टाइप हो सकते हैं, दो टाइप से हो सकते हैं, या बात करें जेनेटिक वेरिएशन है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो होगा एनवायरमेंटल या जेनेटिकल। जो एनवायरमेंटल वेरिएशन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन है वो ट्रांसफर नहीं होता है, वो सिर्फ एनवायरमेंट के कारण उसमें वेरिएशन आता है। और जो जेनेटिक वेरिएशन है इसका मतलब है जो कैरेक्टर माता पिता से पूछने में आ रहे हैं वो जेनेटिक्स के थ्रू रेगुलर आते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज कैरेक्टर या ट्रेट, कैरेक्टर या ट्रेट, जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कैरेक्टर या ट्रेट, तो कैरेक्टर या ट्रेट का मतलब है तो कोई भी जीव है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका शरीर कैसा है मतलब उसका एनाटॉमी कैसी है, और उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, उसका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर क्या है, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर और उसका कैसा व्यवहार है, हर चीज का अलग अलग होता है। सपोज दो या तीन अलग स्टूडेंट है, इसका भी बिहेव अलग होगा, इसका भी अलग बिहेव होगा, इसका कुछ पढ़ने वाला होगा, कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, ये सब क्या बिहेव होगा। तो वापस बात करें कैरेक्टर की या बिहेव का तात्पर्य है किसी भी जीव की मॉर्फोलॉजिकल शारीरिक या जैव रासायनिक बायोकेमिकल अथवा उसका जो बिहेव की जो भी विशेषता है उस सबको हम बोलते हैं कैरेक्टर। अब नेक्स्ट है बात करते हैं टॉपिक की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक्स, आज के लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स जिसमें प्लांट जेनेटिक्स, एनिमल जेनेटिक्स, रेडिएशन जेनेटिक्स, मेडिकल जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में बात की थी, उसके बाद में जीन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। वेरिएशन मतलब जो माता पिता और पड़ोसी में क्या क्या वेरिएशन है, जैसे मान लो वेरिएशन दो टाइप की होती है, एक तो जेनेटिकली होती है और एक एनवायरमेंट होती है, और एनवायरमेंट में वेरिएशन होती है वो सिर्फ एनवायरमेंट में जो होती है, जो जेनेटिक वेरिएशन है वो किसी जीन या जीन के थ्रू होती है। और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ
थैंक यू।